दोस्तों नमस्कार। आज की स्टूडियो में आपको 20x30 फीट 600 स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेट 500 से 600 स्क्वायर फीट का रेंट पोर्शन का घर जो है वॉक थ्रू दिखाऊंगा आपको। ये बना हुआ है वेस्ट की तरफ है और नॉर्थ एज ए डोर है मेन डोर। तो पैसेज एरिया वहाँ से एंट्रेंस है, पैसेज एरिया दिया हुआ है और ये आ जाएगा आपका मेन डोर। देखिएगा डोर पॉलिश करने से पहले कैसा रहता, पॉलिश करने के बाद वो भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा पॉलिश के बाद कितना ब्यूटीफुल और खूबसूरत दिखता है बोल के। सो देखिएगा वीडियो को एंड यदि अगर आप नए चैनल पर हैं सब्सक्राइब कर लो। और आपको इसी तरह से और भी हाउस प्लान फ्रंट एलिवेशन 3D इंटीरियर डिज़ाइन चाहिए तो मोबाइल नंबर 8095615113 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम एंटर करते हैं यहाँ से बाहर की तरफ से। अभी इधर थोड़ा कुछ वर्क लग रहा है। यहाँ से एंटर के एंटर करते ही एक हॉल 10x13 फीट में बना हुआ एक हॉल, बिग साइज हॉल। और देखिएगा दोस्तों हम पार्टीशन वाले यहाँ पर सिंगल लिया गया और वो बीम आया, देखो वो बीम है मगर आपको दिखाई भी नहीं दे रहा, देखो बीम है बोल के भी। तो वो भी एक बेस्ट ये है आइडिया। सेम कलर लगाएगा वो दिखाई भी नहीं दे रहा, देखो हाईलाइट भी नहीं हो रहा, बीम आया बोल के बीच में। फिर उसके बाद यहाँ से एंट्रेंस पूरा ग्रेनाइट वर्क में बनाया गया, ये वाला चीज़ पूरा फुल। एंटर करें सामने की तरफ कॉमन बाथरूम। कॉमन बाथरूम में भी टाइल्स लगे अप टू 7 फीट हाइट। और फिर इधर आ जाता है आपका किचन प्लेटफॉर्म। ये एल शेप में किचन प्लेटफॉर्म। और ओवल शेप में जो है सिंक दिया हुआ है, यहाँ पे वो फिटिंग करने के बाद इसको वहाँ पे दिया जाता है उसका कंटिन्यूएशन। और स्टोरेज भी बनाया है ग्रेनाइट में स्टोरेज। तो ये था किचन का। किचन के बाद नेक्स्ट एंड नॉर्थ एंड वेस्ट कॉर्नर की तरफ किचन, साउथ वेस्ट कॉर्नर की तरफ एक बेडरूम, ये वाला बेडरूम। दस बाय 12 फीट में बना हुआ बेडरूम। टू वे स्विच पॉइंट, वहाँ पे टू वे स्विच दिया गया मेन ऑन ऑफ करने का, बाकी का जो है यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे भी सेम स्टोरेज ग्रेनाइट में स्टोरेज वर्क बनाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।